इस वाले वीडियो में मैं आप लोग को रीटच फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, एलआरमेट्री स्टेप्स में सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम इस सिंपल पिक को एलआर ओपन कर लेंगे यहाँ से। एलआर ओपन कर लेते हैं। एलआर ओपन करने के बाद सबसे पहले हम एलआर में यहाँ चले जाएंगे। इस पिक को ओपन करने के बाद आप लोग को सबसे पहले आप लोग को लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। लाइट पे आने के बाद आप लोग इसका एक्सपोजर देख लीजिए, लाइट कितना रहेगा कितना नहीं, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा। कंट्रास्ट भी कम कर दीजिएगा, हाईलाइट भी कम कर देना है। शेडो को हल्का सा बढ़ा देंगे और उसके बाद वाइट्स को कम कर देंगे, उसके बाद ब्लैक्स को कम कर देंगे। आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा, ब्लैक्स होगा तो उसको बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को कलर पे जाना है। कलर पे जाने के बाद आप लोग इसका टिंट हल्का सा कम कर दीजिएगा, टेम्परेचर इसका सही है। उसके बाद आप लोग को इसका वाइब्रेंस हल्का सा बढ़ा देंगे। उसके बाद आप लोग को मिक्स पे जाना है। यहाँ से मिक्स पे जाने के बाद आप लोग को सबसे पहले ग्रीन वाले पे आना है। ग्रीन पे जाने के बाद आप लोग इसका ह्यू कम कर लीजिएगा। सेचुरेशन आप लोग को येल्लो पसंद रहेगा तो येल्लो पर कर लीजिए, इसका सेचुरेशन फुल रख सकते हैं येल्लो टोन बनाने के लिए। हम लोग इसका सेचुरेशन कम कर देंगे। उसके बाद आप लोग को येल्लो पे आना है। येल्लो पे आने के बाद इसका सेचुरेशन कम कर देना है, ह्यू भी कम कर देना है। उसके बाद आप लोग को इस ऑरेंज वाले पे आना है। ऑरेंज का सेचुरेशन हल्का सा कम, ल्यूमिनेंस हल्का सा बढ़ाएंगे, इसका ह्यू थोड़ा सा नहीं। उसके बाद आप लोग को रेड पे आना है। रेड पे आने के बाद इसका सेचुरेशन हल्का सा बढ़ा देना है, ह्यू को हल्का सा कम कर देना है। उसके बाद आप लोग को ब्लू पे आना है। ब्लू पे आने के बाद आप लोग इसका सेचुरेशन बढ़ा दीजिएगा और ह्यू को अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा, कौन सा कलर बढ़िया रहेगा कौन सा नहीं। उसके बाद इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद आप लोग को इफेक्ट वाले पे आना है। इफेक्ट पे आने के बाद आप लोग को सबसे पहले क्लियरिटी इसका हल्का सा बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को विजनेट हल्का सा कम कर देना है, इसको भी हल्का सा बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा। इसको शेयर पे जाकर इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम इसी पिक को स्नैपचैट में ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम अपने पिक को स्नैपचैट में ओपन कर लेते हैं। स्नैपचैट में ओपन करने के बाद आप लोग को सबसे पहले टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद आप लोग को सिलेक्टिव वाले ऑप्शन को ले लेना है। सिलेक्टिव को लेने के बाद आप लोग जहाँ देख लीजिए फेस के ऊपर ब्लैक सा है, हल्का सा है, वहाँ पर आप लोग इसको छोटा करके इसका ब्राइटनेस हल्का सा बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को फिर टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने फिर सिलेक्टिव को ले लेंगे, हैंड पीस को यूज़ कर लिया जाएगा, ब्राइटनेस हल्का सा बढ़ाएंगे। फिर आप लोग को टूल्स पे जाना है। यहाँ से टूल्स पे जाने के बाद आप लोग को डिटेल वाले ऑप्शन पे जाना है। आप लोग को डिटेल पे जाने के बाद आप लोग इसका स्ट्रक्चर हल्का सा बढ़ाइएगा और शार्पनिंग हल्का सा बढ़ा दीजिएगा। पिक में शाइनिंग लाने के लिए सबसे पहले हम डिटेल पे जाएंगे लोग। उसके बाद आप लोग को फिर टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद आप लोग टूल्स पे जाना है। इसके बाद आप लोग को सॉरी दोस्तों टूल्स पे जाइए। टूल्स पे जाने के बाद इस फेस को स्मूथ करना है, उसके लिए पोर्ट्रेट पे जाना है। आप लोग को पोर्ट्रेट पे जाने के बाद आप लोग स्मूथ टू वाला ऑप्शन को यूज़ कीजिएगा। इसको यूज़ करने के बाद आप लोग इसका फुल रखिएगा या अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, कितना फेस स्मूथ करना है कितना नहीं, इसको देख लीजिए आफ्टर और बिफोर करके देख लीजिएगा। उसके बाद इस पिक को हम यहाँ से सेव कर लेंगे।